मुन्नालाल गोयल वो नाम है जिन्होंने राजस्थान में एक आईएएस के रूप में बहुत ख्याति पाई। स्वभाव से सरल और मिलनसार श्री गोयल ने नौकरी में रहते भी कोई समझौता नहीं किया। वर्क इज वर्शिप हमेशा इनका प्रिंसिपल रहा। 1989 में आईएएस अधिकारी के रूप में रिटायर होने के बाद मुन्नालाल गोयल ने पिंक सिटी जयपुर में ही अपना घर बसा लिया। गुलाबी नगर के हृदय कहे जाने वाले रामबाग सर्किल के निकट ही इनका एक आलीशान आशियाना है। जिंदगी के 89 बसंत देख चुके श्री गोयल आज भी पूरी तरह से सक्रिय और स्वस्थ हैं। मुन्नालाल गोयल बताते हैं कि उनका पूरा परिवार यूपी के सहारनपुर जिले से माइग्रेट होकर राजस्थान आया था। मुझे हमारे बड़े भाई ने बताया था कि हो सकता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके राजस्थान आए, लेकिन ये 100 साल पुरानी बात होगी। कब आए, कैसे आए, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। मुझे तो बताया गया कि मेरे दादा हरिद्वार गए थे। हम लोग सहारनपुर जिले में यूपी में रहते थे किसी गांव में, वहां से हरिद्वार गए थे। शायद वहां वो वकालत करते थे मेरे दादा। वहां उनको हरकी पौड़ी पे कोई व्यक्ति मिला जो सूरतगढ़ का था। सूरतगढ़ बीकानेर जिले में एक छोटा कस्बा हुआ करता था, शायद कोई निजामत रही होगी वहां पे। आपसी बातचीत में उस व्यक्ति ने मेरे दादा से कहा कि आप उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, आप हमारे राजस्थान आइए। बीकानेर स्टेट में तो कोई वकील ही नहीं है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई वकील है ही नहीं, तो आप हमारे गांव क्यों नहीं आते। कहा भाई मेरा देश छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं आऊँगा। वो दोनों हरकी पौड़ी में स्नान करने को उतर गए। हरकी पौड़ी पे स्नान करते मेरे दादा जो थे वो पानी में बह गए और उनको पंडे निकाल करके लाए। उनको जब वो सचेत हुए तो पंडितों ने कहा कि आप यहाँ हरिद्वार आए हैं, गंगा मैया ने आपको नया जीवन दिया है, आप यहाँ कुछ छोड़ के तड़िए। तो मेरे दादा ने ये कहा कि मैं दो चीज़ें छोड़ता हूँ, एक तो आज के बाद तीर्थ यात्रा में नहीं आऊँगा, दूसरा मैं इस दोस्त के साथ सूरतगढ़ जाऊँगा। तो वो उसके साथ सूरतगढ़ आए, जगह देखी, वापिस यूपी गए और शायद परिवार सहित राजस्थान आ गए। मेरा जन्म सूरतगढ़ में हुआ ये मैं जानता हूँ 1933 में, यही मेरी जन्म पत्री के अनुसार। उसके बाद मेरी पढ़ाई हनुमानगढ़ टाउन में चौथी क्लास तक हुई। छोटा सा स्कूल था, वहाँ कोई हलवाई की दुकान नहीं थी, एक छोटे मोटे पतासे चाट बेचने वाले की दुकान हुआ करती थी और तहसील के पास एक छोटा सा स्कूल किराए की बिल्डिंग में चलता था। वहाँ से प्राइमरी एजुकेशन में ही मैं गंगानगर आ गया और गंगानगर आकर के फोर्थ क्लास में पुरानी आबादी में एक स्कूल था, वो हमने ज्वाइन कर लिया। मैंने कुत्ता लिखनी नहर के बारे में आपको बताया था, जब हम घर से वहाँ जाते थे तो उस नहर में डुबकी लगा के स्नान करके आया करते थे। इतना सारा जीवन हुआ करता था, वहीं खेलते थे, वहीं कूदते थे, इंटरमीडिएट तक गंगानगर रहे। 1933 में श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में जन्मे मुन्नालाल गोयल राजस्थान लोक सेवा आयोग से आरएस चुने गए और इसके बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र और लाल बहादुर शास्त्री के इलाहाबाद चुनाव में इन्होंने निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य किया। उसके बाद मैं डूमन कॉलेज बीकानेर से ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद क्योंकि मेरे दादा वकील थे, मेरे फादर वकालत में थे, तो मैं तीसरी पीढ़ी में वकालत करने के लिए गंगानगर गया और मैंने वहाँ पे अपने आप को एज एडवोकेट रजिस्टर करवाया। ब्रजमोहन लाल तो डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, उनकी अदालत में पैरवी करने भी जाया करते थे। मेरे वकालत में गुरु थे कमरचंद जैन, जिनको मेरे फादर ने वकालत सिखाई थी, क्योंकि मेरे फादर की जब मैं इंटरमीडिएट में था डेथ हो गई थी तो मुझे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, तो
तो मैं केवल कंवर चंद जी जैन के साथ काम करता था और ट्रेनिंग भी मैंने से उनसे ली थी। कंवर चंद जी जैन पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हुआ करते थे। उन्हीं दिनों आरएएस के एग्जामिनेशन हुए, मुझे किसी ने कहा फॉर्म भर दो, मैंने फॉर्म भर दिया, इम्तहान देके गया, पास हो गया। इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू देने गया, भगवान की तरह से 11 लड़के सेलेक्ट हुए थे, उसमें मेरा नाम आ गया था। मेरे साथी केएल कोचर और एमएल गोयल, हम दोनों गंगानगर से पहली बार सेलेक्ट होकर के इलाहाबाद ट्रेनिंग के लिए गए। और जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई, उससे पहले हमने जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के पार्लियामेंट के चुनाव में पोलिंग ऑफिसर्स का काम किया। 1971 में मुन्नालाल गोयल भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े और अनेक महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया रहकर इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। 1975-76 में श्री गोयल बीकानेर के जिला कलेक्टर बने और इस दौरान इन्होंने इस जिले के विकास को नई गति दी। ऑल इंडिया सर्विसेज में मैं 1971 में आया और 1971 के बाद मैं मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन रहा। उसके बाद मैं सीधा कलेक्टर बीकानेर गया 1975-76 में। उसके बाद मैं वहाँ से जब लौट के आया तो पर्यटन विभाग में डायरेक्टर टूरिज्म रहा। उसके बाद जब सरकार पलटी और भैरव सिंह जी शेखावत आए, उस वक्त मुझे उन्होंने सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लगाया और उसके साथ मैं एडमिनिस्ट्रेटर मार्केटिंग बोर्ड रहा। जितनी मंडियाँ बनी उन मंडियों में हमने बहुत योगदान किया और सबसे बड़ा श्रेय इस बात का मुझे जाता है कि हनुमानगढ़ की मंडी उसी वक्त मेरे टाइम पे ही बनाई थी। उसके बाद मैं यहाँ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज रहा 5 साल तक और उसके बाद मैं एक्साइज कमिश्नर उदयपुर गया 2 साल के लिए। वहाँ से शिवचंद्र जी बहादुर जब मुख्यमंत्री बने तब मेरा स्थानांतरण हुआ एज पावर सेक्रेटरी राजस्थान और मैं पावर सेक्रेटरी की पोस्ट से 1990 में रिटायर हो गया। बीकानेर में नियुक्ति के दौरान श्री गोयल बेहद पॉपुलर रहे। यहाँ का जन जन आज भी अपने कलेक्टर मुन्ना लाल गोयल को हृदय से याद करता है। प्रदेश के अग्रणी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश जब बीकानेर गए तो उन्होंने मुन्ना लाल गोयल के कार्यकलापों और उनके द्वारा बहाई गई विकास की गंगा को नजदीक से देखा। कुलिश जी ने अपनी पुस्तक देखता चला गया में मुन्ना लाल जी गोयल को जय जंगल धर जिलाधीश की उपाधि दी। यहाँ हम आपको बताते चलें कि बीकानेर के लोकप्रिय महाराजा श्री गंगा सिंह जी को जय जंगल धर बादशाह का खिताब मिला हुआ था। आधुनिक राजस्थान के निर्माता पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की पुत्री पुष्पा 1959 में मुन्ना लाल जी की जीवन संगिनी बनी। हालांकि पुष्पा जी आज इस संसार में नहीं है, लेकिन घर की हर दीवार पर टंगी उनकी मुस्कुराती तस्वीरें ये एहसास कराती हैं कि वे गई नहीं हैं, बल्कि यहीं कहीं हैं। मुन्ना लाल जी गोयल ने अपने लंबे खुशहाल जीवन की बहुत सी यादें एल्बम में संजो कर रखी हैं। घर आने वाले हर किसी को ये फोटोग्राफ दिखाकर वे अपनी यादों को ताजा करते हैं। गंगानगर में स्कूल के दिनों को याद करते हुए मुन्ना लाल जी ने जब अपनी हैप्पी टीम का फोटो निकाल कर दिखाया तो उनके चेहरे पर उभरे भाव देखने वाले थे। करीब 70 साल पुरानी फोटो को देखकर उनके बदन में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। दरअसल ये हैप्पी टीम उनके स्कूल की एक हॉकी टीम थी। बड़े पुत्र राजेश गोयल के विवाह की एक बेहतरीन तस्वीर इनके ड्राइंग रूम में लगी हुई है। ये फोटो दिखाते हुए गोयल साहब बताते हैं कि बड़े बेटे राजेश की शादी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं पहुंच पाई थी, इसीलिए विवाह के बाद पुत्र राजेश और उनकी पुत्रवधु दिव्या ने अपने नाना मोहनलाल सुखाड़िया के साथ इंदिरा जी से आशीर्वाद लेने के लिए नई दिल्ली गए थे। इंदिरा जी ने सुखाड़िया जी और उनकी अर्धांगिनी इंदु बाला की मौजूदगी में नवविवाहित जोड़े के साथ ये यादगार फोटो खिंचवाया था। मुन्नालाल गोयल का विवाह राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की सुपुत्री पुष्पा से हुआ था।
इतने बड़े परिवार से वैवाहिक बंधन में बंधना कोई मामूली बात नहीं थी। ये रिश्ता कैसे हुआ, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। मैं जब जयपुर पोस्ट हुआ, मैं और कोटा साहब दोनों जयपुर पोस्ट हुए थे, तो मैं मजिस्ट्रेट अंडर ट्रेनिंग था। उसके बाद जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की हमको पावर्स मिली और 2 साल की सजा करने का और 2000 जुर्माने करने का अधिकार मिला, तो मुझे जयपुर में एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट लगा दिया गया। जयपुर में उसी वक्त वकीलों का आंदोलन हुआ, जिसमें वकील ये मांग कर रहे थे राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर आए या इसकी बेंच जयपुर आए। वो लंबा आंदोलन चला और उस समय जो मेरे पास पुलिस स्टेशन थे, मानिक चौक और कोतवाली थाने, दोनों का जुरिस्डिक्शन मेरे पास था। तो जितने भी वकील जुलूस निकालते थे, धारा 144 का उल्लंघन करते थे, वो पकड़े जाते थे, उनको जेल ले जाया जाता था और सब लोग गिल्टी प्लीड करते थे तो उनको सजा देनी पड़ती थी। तो मैं किसी को 3 दिन की, किसी को 7 दिन की, किसी को 5 दिन की सजा दे दिया करता था। और उस जमाने में करीब 500 वकीलों को सजा मुझे देनी पड़ी थी। तो मैं यहाँ के जो भी राजस्थान पत्रिका छोटा मोटा अखबार निकलता था उसके खबरों में छा गया, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी और हमारे कलेक्टर हुआ करते थे विष्णु दत्त जी शर्मा, और जो मेरे बाद में समधी बने गोपेश भट्ट, वो सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। उन्होंने जब मेरे बारे में जानकारी चाही कि यह लड़का कौन है, तो बताया कि ये गंगानगर से आया है और मजिस्ट्रेट है और ये किसी की सुनता नहीं है। जो मर्जी आती है 3 दिन की 7 दिन की सजा देता है, किसी की बात नहीं सुनता है। और इसने जो होम मिनिस्टर के घर से जो वकीलों को पकड़ा गया था, उनको सजा देने से इनकार कर दिया था कि उसमें धारा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो बड़ा जिद्दी किस्म का है, पता नहीं उन्होंने कैसे सुखाली जी को मेरा नाम बताया होगा। मुझे तो एक दिन कोर्ट में बैठा हुआ था, रामनिवास जी मिर्जा, जिनको मैं स्टूडेंट लाइफ से जानता था, वो मेरी कोर्ट में आए। वो उन दिनों शायद असेंबली में डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे, ये 1958 की बात है। उन्होंने मुझे कहा गोयल साहब मेरे साथ चलिए, वो मुझे नाम से जानते थे, मैं भी उनको जानता था। मैं उनके साथ 8th Civil Line चला गया। मुझे नहीं पता था कि ये मुख्यमंत्री जी यहाँ रहते हैं या ये मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं। वहाँ जाकर के मुझे मालूम पड़ा कि शायद वो कोई मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए मुझे वहाँ लेके गए थे, क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठा के जिस तरीके से चाय पानी और मेरा स्वागत सत्कार किया गया, तो उससे मैं कुछ भ्रमित हो गया था कि कुछ कुछ बात जरूर है। लेकिन मैं वहाँ से चाय पीने के बाद और मिर्जा जी ने वापस मुझे घर पर छोड़ दिया। वहाँ मैंने आकर के गोपेश भट्ट को बताया कि यार आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऐसे रामनिवास मिर्जा मुझे लेके गए और मुझे बड़ी चाय पानी पिलाया गया। भूपेश भट्ट ने मुझे कहा, साले किसी पॉलिटिशियन की लड़की तेरे माथे बांध देंगे, तू उस चक्कर में मत पड़। तो शांत हो गया। उसके 2 दिन के बाद मुझे रामनिवास जी मिर्जा ने फिर कहा कि एक बार आपको फिर बुला रहे हैं। मैं फिर उनके साथ चला गया, तो वहां पहली बार मिसेज सुखाड़िया से मेरा साक्षात्कार। वो आके ड्राइंग रूम में बैठी, मेरे परिवार के बारे में उन्हें जान पहचान निकालने की कोशिश की। मैंने कहा मेरे बड़े भाई हैं, स्कूल में हेडमास्टर हैं, मैं उनका छोटा हूँ, मेरी बड़ी बहन की शादी होगी, छोटी बहन ने एमए किया, वो मेरे साथ रहती है, पर मैं यहाँ जयपुर में अकेला रहता हूँ। मैं अपनी माँ को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो आती नहीं है, तो हम किराए का एक मकान लेके रहते हैं। उन्होंने पता नहीं कैसे उसमें दिलचस्पी दिखाई, कहने लगे कि आपने मेरी लड़की को देखा है। मैंने कहा हाँ एक बार देखा है। कैसे देखा है? मैंने कहा कि एक बार जब वकीलों के आंदोलन में कुछ लोग महारानी स्कॉल चले गए थे, तब मेरी कलेक्टर साहब ने ड्यूटी लगाई थी कि सुखाली जी की लड़की महारानी स्कॉल में पढ़ती है, उसको आप 8th Civil Line से पुलिस एस्कॉर्ट पर छोड़ के आओ। तो पुलिस एस्कॉर्ट में उनको 8th Civil Line के बाहर दरवाजे भी छोड़ के आ। आपको कैसी लगी? अच्छी लड़की। उसके बाद मैं घर लौट आया
उसके बाद सुखाना जी ने कब पत्र लिखा मेरे भाई को, कब उनके पीए गंगानगर गए, कब स्वीकृति लेके आए और कब ये रिश्ता तय हुआ। मुझे तो बताया गया कि घर वालों से स्वीकृति मिल गई है, हम अपने लड़के का रिश्ता आपसे कर रहे हैं। और मेरी 58 में सगाई समारोह हुआ, 21 जनवरी 1959 को शादी हुई।